the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Carpet, carpet, pit sound hai isme, aur stress C par hai. Ye do khas points hain is word ke pronunciation. Suddenly, isme bhi sirf stress hai, khas baat, jo S par hai. Suddenly, flies, इसमें बस वही एक साउंड की बात है कि फ्लाइज कहना है, फ्लाइज नहीं कहना. स्काई, अगेन द सेम साउंड, स्काई. और हाँ, इसमें स्ट्रेस की बात अगर है तो फिर वो के पर है, स्काई. वेट, बहुत बात इस पर मैं कर चुका हूँ ऑनरेबल टीचर के, डब्ल्यू साउंड और वी साउंड में फर्क कैसे लाना है. वेट, अगर वी होता तो हम कहते वेट, डब्ल्यू है तो हम कहेंगे वेट, वेट. डेजर्ट, डी पर स्ट्रेस है, ये नाउन है. और अगर इसी वर्ड को एज वर्ब पढ़ा जाए, यानी किसी को तनहा छोड़ देना, तो फिर एस पर स्ट्रेस होगा और ये लफ्ज बोला जाएगा डेजर्ट. टुडे, टुडे नहीं कहना, ये बच्चों को आपने खास तौर पर ऑनरेबल टीचर बताना है. टुडे, डीपर स्ट्रेस है इसमें. माउंटेन, माउंटेन नहीं कहना, जाहिर है अगर किसी बच्चे को नहीं बताया गया पहले से तो वो तो इसको माउंटेन पढ़ेगा, माउंटेन. अब इसका बच्चों को आप थोड़ा सा कॉशन कीजिएगा कि इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तमाम वर्ड्स जो टी ए आई एन पर ख़त्म हो तो वो टेन साउंड ही होगी, ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मेंटेन है तो फिर इसमें तो टेन नहीं आ सकता, माउंटेन है. आइलैंड, एस इसमें साइलेंट है, तो आइसलैंड नहीं बोलना, ये अपने बच्चों को बताना है कि ये आइलैंड है इसका प्रोनाउंसिएशन.